हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहने वाले हैं? अगर आप इस वक्त अपने पर्सन से कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी? क्या आप लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे या रिकन्साइलेशन? कुछ भी आप लोग का इट मीन्स आप लोग की बात हो सकेगी या नहीं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में? आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहने वाले हैं? लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। स्पीच साइंस एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए क्या नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है? नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है? प्लीज साइंस एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है? टू ऑफ सूट, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एट ऑफ सूट, एट ऑफ कप्स, इट मीन्स एक लेफ्ट इन द कोल्ड जैसे वॉक अवे वाली सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में। आप लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है, एट एट की एनर्जी है, किसी फीमेल फिगर की वजह से आप लोग के बीच यहाँ पे डिस्टेंस है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप को फोकस करके इधर वर्क नहीं कर पाते। आप लोग के बीच कन्फ्यू मतलब कि आपके पर्सन यहाँ पर दो पर्सन के बीच में कन्फ्यूज रहते हैं। आपके पर्सन को यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहिए, यहाँ से वॉक अवे करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या यहाँ पर वो पास्ट की चीज़ों को अभी भी सोच रहे हैं। क्योंकि इधर मुझे एनर्जी नज़र आ रही, तो ऐसा हो सकता है पास्ट को वो अभी भी इस एनर्जी को लेकर यहाँ पर सोच रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, कन्फ्यूजन है, और यहाँ पर जैसे एक पर्सन एक फुली कम्प्लीटली यहाँ पर एक पर्सन का जैसे फोकस कहीं और है। इस रिलेशनशिप को उसने फोकस नहीं बनाया। उस एक पर्सन ने, एक पार्टनर ने यहाँ पर, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर ने यहाँ पर जैसे क्लैरिटी के साथ यहाँ पर एफर्ट नहीं डाले। अगर एफर्ट्स होते, अगर यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होता, आपका रिलेशनशिप का रुख कोई और होता। मतलब कि आप लोग का रिश्ता है किसी अच्छी जगह होता, ना कि इतना बैड से बैड फेस से गुजर रहा होता। बैड इधर जो इतना टाइम चल रहा है, आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस है, कन्फ्यूजन है आपके माइंड में भी, और ये पर्सन फिलहाल वॉक अवे है आपकी लाइफ से। यहाँ पर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, और ये पर्सन आपके लिए आपको ऐसा लगता है बहुत ही कभी क्लियर सही से हो ही नहीं सका। एट एट की एनर्जी है, कोई फेमस फिगर है जिसकी वजह से आप लोग के रिश्ते में डिस्टेंस है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए, प्लीज सेंड अस अ स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स। एस ऑफेंस, ओके, ये बिगिनिंग किस तरफ हो रही है? अट्रैक्टिव बिगिनिंग है, टावर। ऐसा हो सकता है ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा जो आप लोग के बीच हुआ उसको सोच रहा है, और आपके साथ यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहा है। बहुत ज़्यादा एक मतलब कि इसको एक अंदर से एक पैशन, मतलब एक अट्रैक्शन फील हो रही है, वो आपकी तरफ आना चाहता है। अगर पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में चार्म खत्म हो गया था, क्योंकि देखिए एक वन साइडेड रिलेशनशिप हो और एक वन साइडेड चीज़ें चल रही हो, तो जब उस रिश्ते में, उस रिलेशनशिप में चार्म एंड हो जाता है, ठीक है? वहाँ पर वो एक चार्मिंग एनर्जी नहीं रहती। वो अगर एक इक्वल एफर्ट ना हो, तो इस रिलेशनशिप में से कुछ ना कुछ एक एंड हो चुका था। एक चार्म, अट्रैक्शन, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना, या एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम, या आप लोग एक साथ हैं तो उस टाइम को एंजॉय करना, मेमोरीज नहीं बना पाए। आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस बना रहा, आप लोग के बीच यहाँ पर एक पर्सन वॉक अवे हमेशा से कंफ्यूज रहा, और इस सिचुएशन में एक वॉक अवे वाली एनर्जी रही। वो पर्सन एक जैसे एक कंप्लीटली किसी पास में, आप किसी ट्रॉमा में रहें, स्लीपलेस नाइट में रहें, आप यहाँ पर टावर मोमेंट को फेस करते रहें। आपको एक जैसे यहाँ पे सडन यहाँ पे कुछ आपकी लाइफ में होता रहा है, आपको पता भी नहीं हुआ ये पर्सन ने आपको यहाँ से ब्लॉक किया, वहाँ से ब्लॉक किया, इसने क्यों किया, आपको उस चीज़ की वजाहत नहीं मिली। मतलब कि इन सबके पीछे क्या चल रहा था, इस बात की क्लैरिटी नहीं मिली। हर्मिट, आप सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे टावर की एनर्जी और नाइन ऑफ सूट की एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे ये सब कुछ आप बाहर आ चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप टाइम टू टाइम इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पर हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं करना क्या चाहिए। बैक एंड फोर्थ एनर्जी है आपके माइंड में, इस रिश्ते में इसको यहीं पर छोड़ के ख़त्म कर दिया जाए या तो आगे बढ़ा जाए। करना क्या चाहिए आपको नहीं समझ में आ रहा। ये पर्सन अगर वापस आ गया तो आप, अगर आप आगे बढ़ गए तो आप क्या, आपके माइंड में क्या, मतलब कि नेक्स्ट क्या आप क्या कर सकेंगे, क्या सिचुएशन होगी, क्या आप फैसला ले सकेंगे, आप नहीं जानते। करना क्या चाहिए आपको नहीं पता, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि
क्लोजर नहीं मिला है आपको, ये सब कुछ क्यों हुआ है? दी डेविल, बिल्कुल। यहाँ पे एक जैसे चीजों को बीच में छोड़ देना, वो भी डेविलिश एनर्जी दिखाता है। चीजों को एक एक राइट नोट पे एंड ना करना, ठीक है, ये भी एक डेविल की एनर्जी है, टॉक्सिसिटी की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। सेम इसके बरक्स आप भी यही कर रहे हैं, मतलब कि सिमिलर एनर्जी आपकी आपकी भी है, लेकिन आप ऑब्सेसिव वे में नहीं है। आप यहाँ पर किसी को चीज नहीं कर रहे, आप यहाँ पर सिर्फ सोच रहे हैं करना क्या चाहिए। अब क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्या मैं यहीं पर स्टक रहूँ, क्या मैं इस रिलेशनशिप को वॉक अवे करूँ, मैं किस तरफ जाऊँ? आपको नहीं समझ आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर क्लोजर नहीं मिला। फोर ऑफ कप्स, आपके पास ऑप्शन हैं, आप चूज नहीं कर रहे। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास दरवाजे खुल रहे हैं, आप चाहें किसी को भी चूज करके आगे की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। आपका नसीब, आपकी आपकी लाइफ एक न्यू बिगनिंग दे रही है आपको, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में विक्ट्री है, आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आए या ना आए, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पीस और काम वाली एनर्जी है, लेकिन आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में। मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं करूँगी, आप कहीं ना कहीं देखें स्ट्रकिंग एक स्ट्रक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसा लगता है कुछ है जिसका क्लोजर होना बाकी है। आपका एक 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 इंट्यूशन कहती है, आपका एक इनर सेल्फ कहता है, यहाँ पे कुछ है जिसकी क्लैरिटी, जिसकी वजाहत, जिसकी यहाँ पर एक एक क्लियर कट कम्युनिकेशन बाकी है, ठीक है। टेम्परेंस, आप बैलेंसिंग एनर्जी में हैं, टाइम टाइम टू टाइम आप हील होते जा रहे हैं, खुद को बैलेंस करते जा रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। चलें नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। आप फिलहाल मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में खुश दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी आप किसी टेंशन और किसी ट्रॉमा में नहीं है, लेकिन बस सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि जैसे आपको करना क्या चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी आप परेशान होगी कोई थिंकिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इस रिश्ते का खत्म होने का कोई डर है, कोई गम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस क्या है कि यहाँ पर हो क्या सकता है, क्या यहाँ पर आपको ठहरना चाहिए, क्या यहाँ पर आपको टाइम देना चाहिए, क्या यहाँ पर कुछ है जो आपके सामने आना बाकी है, ठीक है। फाइव ऑफ सोड, ये पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इसके माइंड में, बहुत ज़्यादा अपने बनाए हुए गेम्स, अपनी बनाई हुई चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे रियलाइजेशन है, मैंने भी बहुत कुछ करा है यहाँ पर जो तबाह कर रहा है इस रिश्ते को। टावर मोमेंट, बिल्कुल। यूनिवर्स, इस पर्सन ने यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर सरेंडर कर दिया, मतलब कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, यहाँ पे कोई स्टेप नहीं ले रहा, यहाँ की तरफ आ नहीं रहा। गो विद द फ्लो एंड सरेंडर, मतलब कि यहाँ पर सरेंडर कर दिया कि डिवाइन अब जो करना है कर लो, पहले मैंने कर लिया अब आप कर लो, कोई एक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ मूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया गया है, यहाँ पर मेंटली गेम बहुत ज़्यादा खेले गए। तो ये बंदा अब जैसे कहते हैं ना, एक अपने ही बनाए हुए जाल में, एक अपने ही पूरा जो उसने क्रिएट करा था, अब उन सब चीज़ों में उस जाल में खुद है ये, ठीक है। तो अब इसको समझ में नहीं आ रहा इसने क्या करा, सरेंडर कर दिया। जहाँ कहीं गया था वो वाइंड अप है, वो सिस्टम बंद हो चुका है, ठीक है। ये कहीं भी गया था, यहाँ पे टावर मूवमेंट से मुझे किसी और पर्सन की भी एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन किसी और के साथ था, वहाँ पे टावर आ चुका है, ठीक है। अब इस पर्सन में इस रिश्ते को आया तो यहाँ पर आप भी चेंज हो चुके हैं, आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आप एक चेंज में हैं। तो उसने सरेंडर कर दिया, हर चीज़ सरेंडर कर दी, ठीक है। क्लैरिटी, बिगनिंग, इस पर्सन को ट्रुथ नजर आ रहा है। यहाँ से जाने के बाद, इस सिचुएशन को लेट गो करने के बाद, आपसे वॉक अवे करने के बाद, यहाँ पर इसको एक ट्रुथ नजर आ रहा है, क्लैरिटी नजर आ रही है। ये पर्सन अपनी जात में टेम्परेंस, अपनी अपनी सेल्फ पे वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ पे काम करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये चाहता है इसकी लाइफ में एक बैलेंस आए, जो आउट हो चुका है, एक बैलेंस आउट हो चुका है इसकी लाइफ का, जब से ये वॉक अवे करके गया है, आपके रिलेशनशिप से निकला है, ठीक है। आपने जो रोका नहीं है इसको, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल का इसको इसने इस चीज़ ने इसको अंदर से इसका दिल दुखाया है, क्योंकि आपने इसको रोका नहीं है, ठीक है। इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि हमेशा ये गया, आपने हमेशा इसकी ईगो को सेटिस्फाई करा कि मैं हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, या मैं वेट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर वापस आ जाओ, आप लोग को जब टाइम मिले आप यहाँ पर मैसेज करो। तो ये सब कुछ एक एंडिंग मोमेंट पे है, कुछ यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ रहा है, कुछ
कुछ क्लैरिटी मिल रही है, अपनी जात के लिए क्लैरिटी मिल रही है, अपने एक्शंस को लिए जो इसने एक्शन दिए हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उसको समझ में आ रहा है इसने क्या किया है। लेडर ऑफ फ्रेंड्स, अट्रैक्शन बला ही इसको इस वक्त आपकी तरफ, हाई प्रिस्टेस आपकी तरफ कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग कर रहा है, नजर रख रहा है, आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपकी एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त आप खुद भी साइलेंट है, आपको एक एब्जॉर्बिंग एनर्जी, आपका जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो सब स्टॉक हो रहे हैं, देखना चाह रहा है आप किस तरफ मूव कर रहे हैं, देखना चाह रहा है आपके माइंड में क्या चल रहा है, देखना चाह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं ऐसा अपनी लाइफ में जिसकी तरफ से आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है या इसकी तरफ से फोकस हट रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है इसको लग रहा है जो इसके इल्म में नहीं है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। टेन ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये आपके साथ कुछ चाहता है, कुछ स्टेबल चाहता है, कुछ स्टेबल, ठीक है, जिसको मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपके साथ कोई विक्ट्री चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है, एक फैमिली चाहता है, जैसे जिसको एक प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे। इसको ये कुछ मैरिज के हवाले से कोई इसके माइंड में कोई बात चल रही है, स्टेबिलिटी के हवाले से कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ आ रहा है यहाँ पर ये आपके साथ। पेज ऑफ कप्स, ओ वर्क करना चाह रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा वर्क किसको। देखिए आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, पूरी रीडिंग मैच कर रही है, वर्क नहीं कर रही, पर्सन आना चाह रहा है नहीं आ रहा, ये पर्सन आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रही है एनर्जी, इसने पास में आपके साथ किया गया है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी जो भी चीज़ें इन्वॉल्व इसने करी हैं उसकी वजह से इसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए। थ्री ऑफ कप्स, देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ, ये किसी थर्ड पर्सन, इसको पता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ, इसकी और आपकी आपकी बनाई बनी बनाई हुई चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है। चॉइसेस, इसके पास चॉइसेस हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके पास लोग हैं, ये लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन किसी के साथ भी सीरियस रिलेशनशिप या सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ना ये करना चाह रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये सब बेकार है, ठीक है। इसने ये सब करके देख लिया अपनी ज़िंदगी में, जो सेटिस्फेक्शन, जो रिलैक्स, जो सुकून, जो पीस आपने दिया है वो किसी और ने नहीं दिया, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगल देख रहा है आपको, इंडिपेंडेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल, बैलेंस करना चाह रहा चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करते हुए देख रहा है, ठीक है। अब आप बिल्कुल फ्री हैं इस पर्सन से, अब आप जहाँ भी चाहें मूव कर सकते हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपने इस पर्सन को, आपने अपने आप को इससे फ्री कर लिया है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहा है बैलेंस करने के लिए, आपके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी लाइफ में अब वो राइट टाइम क्या है वो मुझे नहीं पता। एट ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल वर्क पुट ऑन करना चाहता है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन किसी राइट टाइम का वेट कर रहा है यहाँ पर, इसको कब क्या करना चाहिए। फिलहाल इसको ऐसा लग रहा है मेंटली ब्लॉकेज से इस वक्त इसको एक्शन नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा अपने ईगो में हैं, ये आपके ईगो को देखते हुए सोच रहा है कि अभी कुछ टाइम बाद इसको यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहिए। टू ऑफ फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी अगर इसको आपकी तरफ आना है, कोई इसको यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। हाई प्रेस्टेज के साथ आपको इसको लग रहा है कि आप हर चीज़ इसकी समझ जाते हैं, इसके ये आपके सामने कम ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक लविंग केयरिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि आपको एक अपनी एक कंप्लीट पर्सन की तरह आपको देखता है, आप कंप्लीट पर्सनैलिटी हैं, कंप्लीट पर्सन है, जिस पर्सन के साथ कोई भी कनेक्ट होना चाहेगा, जिस पर्सन के साथ कोई भी आगे बढ़ना चाहेगा, आपको इस तरीके की पर्सनैलिटी में ये आपको देखता है कि आप एक एक कंप्लीट पर्सन है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, तो आपके रिलेशनशिप में मतलब कि आपको एडमायर किया जा रहा है, आप आपके आपके अंदर किसी तरीके का एक एग्रेशन देख पा रहा है, या इसको लग रहा है आपके बिहेवियर से, आपने इसको जो लास्ट टाइम जो भी बात करी, या आपने किसी और से इसके बारे में बात करी जो इस तक पहुंची, तो इसको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपका जो गुस्सा है, जो आपका एक जो शॉर्ट टेम्पर है वो उसके ऊपर बरसेगा ही जब आएगा, तो इसको ऐसा लग रहा है इसका अभी जो इसके माइंड में वो ब्लॉकेजेस बन रहे, इसको ऐसा लग रहा है इसको अभी आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, अभी इसको खुद को आराम से बैठना चाहिए, इसको एक सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। आप फुल अपनी एनर्जी में हैं, आप साइलेंट हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, फिलहाल इस वक्त मुझे आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, आप कोई एक्शन, आपको कोई एक्शन इस पर्सन की तरफ लेना चाहिए यानी कि साइंस ऑफ स्पीड का, क्या मेरे व्यूवर को, क्योंकि ये इस पर्सन का मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा, ये आपसे थोड़ा सा खौफजदा है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आया तो यहाँ पर आपका एग्रेशन इसकी तरफ ही होना है, ठीक है। आप पास्ट को अभी भूले नहीं है जो भी इसने किया है, क्या
आपको इस पर्सन को कोई टेक्स्ट या मैसेज करना चाहिए या नहीं? प्लीज सेंड अस अ स्पीड गाइड। द डेविल, नहीं, ये ऑब्सेसिव एनर्जी बन जाएगी, दोबारा आप लोग का साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर टावर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप लोगों के बीच फिर यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। ऑब्सेसिव एनर्जी, आप खुद की जात के साथ एक न्यू बिगनिंग करें, जहाँ जो एक जैसे जो आपको अपनी जात के लिए रियलाइजेशन हो रही है आप उसके साथ चलें। यहाँ पे जजमेंट है, सेकंड चांस मिल सकता है इस रिलेशनशिप को। टेन ऑफ सोर्ड, बर्डन सम हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर कोई एक्शन लिया तो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को सेकंड चांस तो वैसे भी मिलेगा, लेकिन आपको कोई गो विद द फ्लो के साथ रहें, यूनिवर्स को सरेंडर करें। आपको यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं लेना इस पर्सन की तरफ, यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है, मतलब पे सरेंडर करें, डिवाइन को सरेंडर कर दें सब कुछ। आपको यहाँ पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, कोई मैसेज या कोई हिंट देने की ज़रूरत नहीं है। इधर जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे इस रिलेशनशिप को सेकेंड चांस वैसे ही मिल रहा है, लेकिन डिवाइन चाहता है ये भी सरेंडर करें फिलहाल इस रिश्ते को, और आप भी सरेंडर करें। एक हीलिंग प्रोसेस है जो कंप्लीट होने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। आप लोग जो बार बार बोल रहे हैं ये नहीं आ रहा, पूरी रीडिंग मैच कर रही, तो ये अभी जो आप लोग के बीच सेपरेशन है ये डिवाइन ने क्रिएट करा है, ठीक है। आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है, आपको खुद को हील करना है। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से मैसेज करते हैं या यहाँ पर जब तक आप यहाँ पर पास्ट को लेट गो नहीं कर देते, फिर आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी आ जाएगी, फिर आप लोग एक दूसरे से एक नेगेटिव जोन में चले जाएंगे, फिर आप लोग के बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़े, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लीज सेंड अस अ स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पास्ट लिव्स, मैं कह रही हूँ आप पास्ट में रह रहे हैं, यूनिवर्स चाहता है आप पास्ट ने जो आपको हर्ट किया है। देखिए मैं अभी अभी पास्ट की बात कर रही थी, जब तक आप यहाँ पर पास्ट को नहीं भूलेंगे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में सुकून नहीं आएगा, पीस नहीं आएगा, ये आपकी तरफ नहीं आ सकता। ब्यूटी ऑफ एज, यहाँ पर आप खुद को हील करें, आप अपने सेल्फ लव के साथ रहें, सेल्फ केयर करें, खुद को पैम्पर करें, ठीक है। अब देखें आपने जितना किसी को देना था वो दे दिया, अब आपका टाइम है। देखें डिवाइन ने जो आपको पास्ट से सिखाया है ना, आपने जो पास्ट लेसन लर्न करें, अब आप अपनी वैल्यू को, अपने आप को वैल्यू देना सीखें। देखें जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं देते सामने वाला बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा। जब तक आप यहाँ पर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, खुद के लिए कुछ करें। रेयर नॉलेज, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट को आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। द गार्डन ऑफ द नाइट, आप शायद नाइट टाइम में इस पर्सन के बारे में बेहद सोच रहे हैं, तो डिवाइन चाह रहा है आप ऐसा ना करें, आप खुद के टाइम, आप खुद के साथ टाइम गुजार रहे हैं, आप खुद के साथ एक फ्रेंड और फ्रेंड सर्कल में रहें। टू डांस विद जॉय, आपको अपनी एक जॉयफुल एनर्जी में रहना है, आपको पास्ट से बाहर आना है। आप शायद रात में बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में और पास्ट के बारे में सोचते हैं जब आप सोने लेटते हैं, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है जो आपको बार बार हॉन्ट करता है, ठीक है। जो होना था वो हो गया, इससे आपने कुछ सीखा है, आप जो भी आपने लेसन सीखा है आप उसको ध्यान दें और किसी चीज़ को नहीं, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।